हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट एंड मैथ्स। तो बच्चों, यहाँ पे आपको आपके सारे डाउट्स कॉन्सेप्चुअली क्लियर करवाए जाते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाए जाते हैं एक्सरसाइज करवाने से पहले। ओके, तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये क्लास एट का चैप्टर थ्री का जो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, उसके ऊपर है। तो हमारे जो पहले जो प्रीवियस वीडियोस थे, उनमें मैंने आपको जो पहला पार्ट है वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया था, और उसके एक्सरसाइज के नंबर्स के बारे में भी मैं आपको मतलब इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो ये जो है उसके नेक्स्ट वाला है, ठीक है, तो 3.1 वाले का है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि एक पॉलीगॉन की, ये तो पहले से ही आपको पता है कि पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा इसका रिविज़न करवा दूंगी। और उसके साथ ही हम आज जानेंगे कि एक पॉलीगॉन के जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर आप उसको सम करोगे तो कितना आना चाहिए, वो भी मैं आपको आज बताऊँगी, और कुछ एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको सारे वीडियोस यूजफुल लगे होंगे। तो चलिए, आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आवर टुडेज टॉपिक इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, तो इसको डिस्कशन करने के पहले मैं आपको थोड़ा रिविजन करवा देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि इंटीरियर एंगल, उसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर मतलब अंदर का, ठीक है। एक पॉलीगॉन के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उसका हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और एक पॉलीगॉन के जो बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अगर जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो अगर ये एक, मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाती हूँ। ओके, तो ये मेरा हो गया एंगल वन, ये हो गया एंगल टू, और ये मेरा बन गया एंगल थ्री, ठीक है। तो आप इस डायग्राम में किसको इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं और किसको एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं। यहाँ मेरे इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो अंदर वाले हैं, ठीक है। अंदर वाले मतलब जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, और ये जो वाला एंगल है, ये है मेरे इंटीरियर एंगल्स। और जो कि एंगल वन टू और थ्री हैं, ये मेरे सारे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। ओके, तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री। ओके, ये मेरे एक्सटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। तो अब आइए बच्चों, जानते हैं कि ये तो बन गया हमारा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, बट मुझे ये जानना है कि अगर मैं ये एक्सटीरियर एंगल जो है, तीन एक्सटीरियर एंगल जो है, अगर मैं इसको सम अप करती हूँ, अगर मैं इसका एडिशन करती हूँ तो कितना आना चाहिए, ठीक है, इसका सम कितना होगा। जैसे हमें पता है कि एक ट्रायंगल का सारे जो एंगल्स होते हैं वो मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। ओके, और अकॉर्डिंग टू योर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉलीगॉन, तो वो बोलता है कि नहीं, जितना नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उसे पता चल सकता है, जैसे कि n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो वैसे ही हम अभी निकालेंगे कि एक पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए बच्चों, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट जान लेते हैं कि ये क्या बोलता है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये बोलता है कि चाहे आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, ओके, किसी टाइप का भी पॉलीगॉन ले लो, चाहे वो फोर साइडेड पॉलीगॉन हो या फाइव साइडेड पॉलीगॉन हो, चाहे वो कोई हेक्सागॉन हो या ऑक्टागॉन हो, ठीक है, आप जो भी कोई पॉलीगॉन आप ले लो, चाहे उसके साइड्स कितने भी हों, बट उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है, बट जो उसको एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, आई रिपीट, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन स्टेट्स दैट ऑल द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन विल बी 360 डिग्री। हाउ मच, 360 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखेंगे। ओके,
तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट बोलता है कि ये बोलता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलीगॉन आपको दिया गया हो, चाहे उसका कोई भी साइड हो, तो उसके जो सारे जितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे मिला के उनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए बच्चों हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं वही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ वो ट्राइंगल वाले का। ओके, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ जिसके इंटीरियर एंगल्स भी हैं एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं, राइट? तो ये मेरा एक ट्राइंगल है जिसके इंटीरियर एंगल्स भी हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं। तो ये मेरा बन जाता है ए, ये बन जाता है और ये बन जाता है बी, और ये हो गया सी। ओके, तो ये है मेरा एंगल वन और ये है एंगल टू और ये है एंगल थ्री। तो बच्चों मुझे अभी देखना है कि इसके एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री, मतलब जो बाहर के एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, ठीक है, तो मेरे एक्सटीरियर एंगल्स क्या क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स मेरे बन गए एंगल वन, एंगल टू और एंगल थ्री। अगर मैं इसको सम करती हूँ तो क्या बनेगा? ये एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इट्स नॉट 180 डिग्री, इट्स 360 डिग्री। ओके, सो इट इज 360 डिग्री। तो वैसे ही अगर आप फोर साइडेड वाला करते हो, फोर साइडेड मतलब आप अगर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हो विथ एक्सटीरियर एंगल्स, राइट? तो अगर इस तरह मैं इसको इरेज करके कर देती हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमें बेसिकली ये चेक करना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है क्या ये हर एक पॉलीगॉन के लिए अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है या नहीं। ओके, तो मैं अभी एक ये बनाती हूँ, एक स्क्वायर बनाती हूँ जिसके चारों एंगल मतलब चार एक्सटीरियर एंगल्स हों। ओके, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये एक एंगल बन गया, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया और ये एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो मान लीजिए ये बन गया एंगल वन, ये बन गया टू, ये बन गया थ्री और ये मेरा बन गया एंगल फोर। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसका सम करूँगी तो ये कितना बनेगा? एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू 360 डिग्री होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे किसी टाइप का भी पॉलीगॉन हो, इट मींस उसके कितने भी सारे नंबर ऑफ साइड्स हो एंड कितना भी हो सकता है, जितना भी होने से भी उसका जो एडिशन है, सम है, वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों यही स्टेटमेंट को अप्लाई करके हम कुछ नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि स्टेटमेंट क्या बोलता है, बट ये स्टेटमेंट किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है नंबर को सॉल्व करने में, ये स्टेटमेंट किस तरह से हमें नंबर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो हम देखते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तो आपको एक आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दे देगा, उसमें आपको एक एंगल एक एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है। ओके, तो आपके पास कुछ डायग्राम इस तरीके से है, अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल
वन. ओके, इसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से है. तो ये है आपका 90 डिग्री और ये दिया गया है 50 डिग्री, ये दिया गया है 110 डिग्री और ये एंगल हमें नहीं दिया गया है. तो बेसिकली हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है. और आपका क्वेश्चन है फाइंड एक्स. ओके, तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, जैसे कि अगर आपको इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डायग्राम दिया गया हो, कुछ मेजरमेंट्स गिवन हो और एक्स पूछा गया हो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें पहले ये देखना है. हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है. ओके, उससे हम सॉल्व करेंगे इसको. तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों, देखो इधर जो एंगल्स हैं. ओके, तो बेसिकली इधर हमें x को निकालना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि x एक क्या एंगल है, ठीक है. तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह हमने जो अभी वो जो एक स्टेटमेंट पढ़ा है वो किस तरह से इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है. तो हमें इधर x को निकालना है. तो आप अगर देखोगे अच्छी तरीके से तो x इधर क्या है, एक x एक इधर एक्सटेरियर एंगल है, ठीक है. तो हमें बेसिकली एक्सटेरियर एंगल निकालने के लिए बोला गया है. तो और थोड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ अब अगर इसको देखोगे आप, तो इधर हमें क्या किया गया है, ये जो तीनों मतलब चार एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1 2 3 4, जो चार एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनमें से हमें तीन एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट गिवन है. ओके, और हमें पता है कि जब हमें तीन एंगल्स दिए होते हैं, मतलब टोटल में से सारे एंगल्स दिए होते हैं और एक एंगल्स का पूछा जाता है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका कुछ बेसिक आइडिया आप लोगों को अभी तक हो गया होगा. ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या है. ओके, तो हम इधर लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू कितने कितने हैं, 90 डिग्री, 50 डिग्री, ओके, एंड अनदर वन इज 110 डिग्री एंड एक्स, जो कि हमें निकालना है, ठीक है. तो हम इधर क्या कर सकते हैं, अभी रिसेंटली हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, हम उसको इधर अप्लाई करके कर सकते हैं. कैसे, देखो, तो हमें बोला गया है कि सब एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री. तो मैं इधर लिख सकती हूँ क्या इस तरह कि 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री. क्या मैं लिख सकती हूँ, यस ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये चारों क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं और हमें पता है कि सारे एक पॉलीगॉन में जितने सारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 360 डिग्री. ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना निकलेगा, ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह x प्लस 250 डिग्री. ओके, तो अगर आप 90, 50 और 110 का ऐड करते हो तो 250 डिग्री निकलता है इक्वल टू 360 डिग्री एंड इट विल बी x इक्वल टू 360 माइनस 250 इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, तो इस तरह से आपका आंसर मिल जाता है बच्चों, x इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ये कितने होना चाहिए, 110 डिग्री. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू भी अगर 110 डिग्री होगा तभी जाके ये जो पॉलीगॉन है इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स मिलके 360 डिग्री बनेंगे. ओके, तो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा. ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, तो बाकी का जो सेशन है हम कल करेंगे. ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड एज यूजुअल मैं आपको जैसे बोलती हूँ
कि प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड आपके फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी आप करिए और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो. ठीक है, तो मेरे जो चैनल का नाम है वो है कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स. Concepts and yes. Please guys, please subscribe my channel and like the video. Okay, thank you.